आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी जया बच्चन, गुस्सा जाहिर करते हुए बताया किन महिलाओं को किया जाता था भर्ती। जेंडर को लेकर आर्मी में थी रिस्ट्रिक्शन। जया बच्चन ने गुड्डी, बावर्ची और परिचय जैसी फिल्मों से 70 और 90 के दशक में अपने शानदार अभिनय से फैंस का दिल जीता। बीते साल ही जया बच्चन ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र की पत्नी का किरदार अदा किया था। दिग्गज अभिनेत्री जया अपनी फिल्मों के साथ साथ पेपराजी पर अपने गुस्से को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। अपना गुस्सा हो या प्यार, एक्ट्रेस अपने मन की हर बात को खुलकर कहती हैं। अब उन्होंने अपनी नाती के पॉडकास्ट में अपना हाले दिल बयां करते हुए बताया कि वह एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि उस समय पर महिलाओं को सिर्फ एक काम के लिए आर्मी में भर्ती किया जाता था। बता दें कि जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन हाल ही में नव्या नवेली नंदा के शो व्हाट द हेल नव्या में खास मेहमान बनकर पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस जया और श्वेता नंदा दोनों ने ही जेंडर को लेकर लोगों की रूढ़िवादिता सोच पर खुलकर बात की और उन्होंने अपने निजी अनुभव शेयर किए। इस बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने जेंडर भेदभाव पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए निजी अनुभव को शेयर किया। उन्होंने कहा, मुझे वो समय याद है जब मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुई थी क्योंकि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। उस समय पर वो नर्स की पोस्ट को छोड़कर किसी भी अन्य पोस्ट के लिए महिलाओं को भर्ती नहीं करते थे। उन्होंने आगे कहा, लोगों को आज भी अजीब लगता है जब एक महिला ड्राइविंग करती थी और पुरुष साइड सीट पर बैठा हुआ है। आज के समय में ऐसा नहीं है और आज हम काफी विकसित हो चुके हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त ने जहां बतौर अभिनेता अपना करियर चुना, तो वही नव्या नंदा ने खुद को अभिनय की दुनिया से बिल्कुल दूर रखा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए वायर टॉक को भी सब्सक्राइब करें।